सवाल है कि तस्वीर निकालना है तो व्हाट्सएप पर डीपी रखना या फोटो को सेंड करना भी तस्वीर निकालने के गुनाह के बराबर है। देखिए, जो मोबाइल की तस्वीर होती है इसमें उलमा का इख्तलाफ है और बाज़ उलमा ने इसके बारे में कहा है कि ये वो तस्वीर नहीं जो हाथ से बनाई जाती है, तो ये तस्वीर हराम के हुक्म में नहीं है राजे कौल के मुताबिक, लेकिन इसमें औरतों की तस्वीर हराम है और औरतों का पराए मर्दों के पास तस्वीर भेजना ये जायज़ नहीं है, हत्ता कि उनका अपनी डीपी वगैरह पे रखना और गैर महरम को अपने इसमें फ्रेंड लिस्ट में या इसमें दाखिल करना या ग्रुप्स में रखना ये भी जायज़ नहीं है, तो ये सही नहीं है। तो इस तरह से तस्वीर शेयर करना अपनी, बाल बच्चियाँ निकाह वगैरह की रिश्तेदारों की तस्वीरें शेयर करती हैं, बर्थडेज वगैरह मना रहे हैं शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी खुराफात है, पिकनिक पे जा रहे शेयर कर रहे, जायज़ नहीं है। एक औरत की तस्वीर मर्द के पास नहीं जाना चाहिए, मजबूरी में पासपोर्ट वगैरह के लिए, आधार कार्ड वगैरह के लिए और बात है, आप मजबूरी का कायदा रोजाना के लिए ला सकते नहीं। एक औरत पानी में गिर जाए, हाथ पकड़ के मर्द ने उसको बाहर निकाला, ठीक है, लेकिन हाथ पकड़ के घूमे उसके साथ, इससे आप दलील उसकी ले सकते हैं नहीं।